हेलो स्टूडेंट्स, राइट नाउ वी ऑल हैव टू स्टे एट होम एंड स्टडी वेल। वी विल नॉट स्टॉप आवर स्टडी एंड कीप इट कंटिन्यू। टू कीप आवर सेल्फ सेफ वी हैव टू फॉलो ऑल द सेफ्टी रूल्स दैट वी आर बीइंग टोल्ड रिपीटेडली टू अवॉइड कोरोना वायरस। हम लोगों को वो सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हुए अपने स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, वीडियोस के थ्रू दिखाए जा रहे हैं, वो आप उसे प्रॉपरली वॉच कीजिए। और जो आपको पीडीएफ के थ्रू लेसन्स के क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, उसे अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और लर्न कीजिए। सो चिल्ड्रन, इन लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर दिस 7 टीथ एंड टंग, आई टॉट यू अबाउट जो टीथ पार्ट, जो टीथ के क्राउन पार्ट है और रूट पार्ट है, किसे कहते हैं वो मैंने बताया था। एंड टूथ हैज़ एन आउटर वाइट कवरिंग कॉल्ड एनेमल एंड द सेंटर ऑफ ईच टूथ इज़ कॉल्ड पल। ये जो पिक्चर है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि रूट कहाँ पर है, क्राउन कहाँ पर है। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ मैं आपको समझा चुकी हूँ, आप हमारा लास्ट वीडियो जो था उसे देख करके सीख सकते हो। और आज मैं पढ़ाऊंगी आपको काइंड्स ऑफ टीथ, कितने टीथ के, जो आपके टीथ हैं, आपके माउथ में जो टीथ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के हैं। जस्ट यू कैन सी इन पिक्चर, दिस इज इंसीजर, जो ये टीथ है। अब सबसे पहले आप अपने टीथ को मिरर में देखो, तब आपको ये समझ में आएगा कि आपके जो टीथ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, दिखने में भी डिफरेंट है और डिफरेंट डिफरेंट वर्क भी करते हैं, उनका डिफरेंट शेप और साइज भी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज इंसिजर। दीज आर फोर फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। फोर फ्रंट टीथ, आपके जो सामने वाले टीथ हैं, जो फोर टीथ हैं, उसको क्या कहते हैं? इंसिजर। एंड दे हैव शार्प स्ट्रेट एज। इसका जो एज है, किनारा है, वो एकदम शार्प होता है, मतलब बहुत ही तेज होता है। दे आर यूज टू कट एंड बाइट फूड। ये हम लोगों को इंसीजर, सीजर देख रहे हो ना आप, पिक्चर में भी बना हुआ है जो कैंची होता है, तो ये जो टीथ है हमें फूड को कट करने में, बाइट करने में हेल्प करता है, और इसे हम कटिंग टीथ भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कनाइंस। देयर आर टू कनाइंस इन ईच जॉ। जो इस तरह के टीथ होते हैं, ये हमारे ईच जॉ में दो होते हैं कनाइंस, एंड दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द इंसीजर्स। इंसीजर्स के बगल में होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड लाइक फोक। फोक, ये जो कांटे वाला चम्मच है ना, इस तरह से ये वर्क करता है। एंड दे हेल्प इन टीयरिंग फूड। फॉर दिस रीज़न दे आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ। इसे, ये फूड को टीयर करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे टीयरिंग टीथ भी कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रीमोलर्स। देयर आर फोर प्रीमोलर्स इन ईच जॉ। दे आर नेक्स्ट टू द कनाइंस। इसके नेक्स्ट होता है, इसके बगल में होता है, इसे कहते हैं प्रीमोलर्स। ओके, एंड दीज आर फोर प्रीमोलर्स इन ईच जॉ एंड दे आर नेक्स्ट टू द कनाइंस। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। ये बड़े होते हैं थोड़े और फ्लैट होते हैं। जिस तरह से इनके एजेस शार्प होते हैं, इनका जो एज है ये फ्लैट होता है। एंड दीज टीथ हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। इस तरह का क्रैक करने वाला आप देख सकते हैं, एक मशीन का यहाँ पिक्चर बना हुआ है, वॉलनट वगैरह क्रैक करने के लिए इसे यूज करते हैं। इसे इसलिए क्या कहते हैं, इस टीथ को क्रैकिंग। जो भी कोई हार्ड टाइप की चीज़ें होती हैं, तो आप अपने फ्रंट टीथ से तो नहीं उसे क्रैक कर सकते हो, तो आप उसके लिए अपने प्री मोलर्स का यूज़ करते हो। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग टीथ। नेक्स्ट इज मोलर, जो लास्ट में होते हैं, ये 6 मोलर्स इन ईच जॉ, और ये भी फ्लैट होते हैं, एंड दे आर नेक्स्ट टू प्री मोलर। इसके बाद फिर ये होता है, एंड दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग द फूड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्राइंडिंग टीथ। ग्राइंडिंग मीन्स उसको मिक्स करना,
ठीक है, उसको एकदम बिल्कुल छोटे छोटे, ताकि वो जब आप स्वैलो करो उसको, जब जो भी चीज़ आप फूड ईट कर रहे हो तो उसको ग्राइंड करेगा बिल्कुल, उसे एक पेस्ट बनाने में उसकी हेल्प करेगा, ताकि उसे आप स्वैलो करो आराम से और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। तो दीज आर फोर टाइप ऑफ टीथ जो हमारे माउथ में होता है और जिनका डिफरेंट डिफरेंट वर्क होता है, अलग अलग काम होता है। हियर इज इंसिजर्स, कनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर, फोर टाइप ऑफ टीथ इज दिस। टूथ डिके, टूथ डिके मीन्स टूथ में कैसे प्रॉब्लम्स आती है। यहाँ पर भी एक पिक्चर है, सेट ऑफ टीथ आप देख सकते हो। इसमें जो फोर फ्रंट टीथ हैं ये इंसिजर्स हो गए, इधर कनाइंस है, यहाँ पे भी कनाइंस है, इसके बाद यहाँ पर प्री मोलर्स हैं, दो टू प्री मोलर्स हीयर्स एंड टू प्री मोलर्स हीयर्स, और लास्ट में जो होते हैं वो आपके मोलर्स हैं। ओके, सो व्हेन वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड गेट स्टक बिटवीन आर टीथ, समटाइम दिस स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड आर नॉट रिमूव्ड व्हेन वी डू नॉट ब्रश। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई भी चीज़ ईट करते हैं तो वो किसी हमारे टीथ के कहीं पार्ट में वो स्टक हो जाता है, फंस जाता है, और जब हम ब्रश करते हैं तो भी वो वहाँ से रिमूव नहीं हो पाता है, निकल नहीं पाता है। चलो, दिस स्टक फूड रूट्स एंड आवर टीथ गेट कवर्ड विथ अ थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। जब ये फूड स्टक हो जाता है, हमारे टीथ में फंस जाता है, तो एक स्टिकी लेयर, जर्म्स का स्टिकी लेयर हमारे टीथ के ऊपर आ जाता है। एंड दिस स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स इज कॉल्ड प्लेक। ये जो स्टिकी लेयर होते हैं इसे प्लेक करते हैं। एंड दिस प्लेक रिएक्ट्स विद द शुगर प्रेजेंट इन द फूड टू प्रोड्यूस एसिड। और ये स्टिकी लेयर फिर जो भी हम फूड ईट करते हैं जिसमें शुगर होता है उसके साथ मिल करके फिर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। एंड द एसिड अफेक्ट्स द टूथ एनेमल एंड स्टार्ट्स डिस्ट्रॉइंग इट। जो हमारे टूथ का एनेमल होता है उसे डिस्ट्रॉय करने में फिर जो एसिड, ये एसिड बना स्टिकी लेयर, स्टिकी लेयर में फिर जब शुगर मिला उसे, जो भी फूड हम ईट करते हैं, इसीलिए ये कहा जाता है कि आप ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें, मीठी चीज़ें नहीं ईट करनी चाहिए, ताकि इस तरह से जब भी किसी टाइप का फूड स्टक है आपके टीथ में तो आपके टीथ को वो हार्म ना पहुंचाए। तो फिर ये सारे मिल करके टूथ को डिके करने में, टूथ को इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे टूथ में एक होल हो गया है, तो इससे क्या होता है बहुत फिर पेन भी स्टार्ट हो जाता है, और जब ये स्टेज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है तो टूथ को फिर निकलवाना भी पड़ सकता है डेंटिस्ट के पास जा कर के। तो ऐसी सिचुएशन ना आए इसलिए आप अपने टूथ का प्रॉपर केयर करेंगे और इसे कैविटीज़ और जो इस तरह के जर्म्स हैं उसे प्रोटेक्ट करेंगे। एज अ रिजल्ट द नर्व्स एंड द ब्लड वेसल्स इन द पल्प गेट एक्सपोज्ड व्हेन एनी कोल्ड और हॉट थिंग कम्स इन कनेक्ट विद दिस एक्सपोज्ड नर्व्स वी फील पेन। जब इस तरह से हो जाता है तो जब भी हम किसी हॉट और कोल्ड थिंग को ईट करते हैं और उसके कनेक्ट में जब ये आता है तो हमारे नर्व्स, जो इसके अंदर नर्व्स हैं उसे ये काफ़ी एक्सपोज करता है, पेन फील होने लगता है हम लोगों को और हमें इस तरह से टूथ एक होता है। सो टूथ डिके कॉजेज द फॉलोइंग। टूथ एक दांतों में दर्द, सेकंड फाउल स्मेल फ्रॉम द माउथ, आपके माउथ से स्मेल, अच्छी स्मेल नहीं आएगी, ठीक है, टूथ डिके होने की वजह से, और थर्ड स्टमक डिसऑर्डर्स, आपके स्टमक में भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, फोर्थ होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ, आपके टीथ में होल्स और कैविटीज़ इस तरह से आ सकते हैं, और यू विल लॉस द टीथ, आपको फिर अपने टीथ भी खोने पड़ेंगे, क्योंकि जब इस तरह से टूथ डिके होगा तो इसे निकलवाना पड़ेगा जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इस तरह से आपका टीथ भी लॉस होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर आई विल टीच यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।